फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू हुंडई की क्रेटा और ये है इसका बेस मॉडल ई। आज के इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं बेस मॉडल की क्रेटा में आपको कंपनी क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले तो आप कलर ऑप्शन देख ले, ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है यहाँ पे अपनी बेस मॉडल क्रेटा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाता है फ्रेंड्स। अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसा लुक्स आपको मिलने वाला है। हुंडई की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे, जो आपको फ्रेंड्स ग्रिल है वो मिल जाता है यहाँ पे ब्लैक में, जो कि यहाँ पे मैट ब्लैक कलर रहने वाला है। इंडिकेटर्स आपको मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स अपना कुछ उस डिज़ाइन में, उसके ऊपर में आपको कंपनी DRLs प्रोवाइड करती है। और जैसे ही आप इसे अनलॉक करते हैं आपको सेम क्रेटा वाला अपना साउंड मिलने वाला है। बाकी अपनी प्रोजेक्टर लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती है और DRLs अपना ऑन हो जाता है। DRLs का आप लुक देख सकते हैं। प्रोजेक्टर्स आपको मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्मल हेलोजन में, और काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे लुक्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके नीचे आपको मिलता है रिफ्लेक्टिव लाइट्स। स्किड प्लेट आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह का स्किड प्लेट आपको मिल रहा है। किसी भी एंगल से ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये बेस मॉडल है। और ब्लैक कलर क्रेटा का जो बेस मॉडल का डिमांड है ई का, वो सबसे ज़्यादा है। स्टॉक्स काफ़ी कम मिलता है अभी फिलहाल में, यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल रहा है। तो चलिए हम डिटेल्स में बात करते हैं इसके कंप्लीट लुक्स की। सबसे पहले हम इसके जो टायर्स वगैरह हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे कंपनी जो आपको टायर्स प्रोवाइड कर रही है वो है 205/65R16। तो 16 इंचेस का स्टील व्हील्स का यूज़ किया गया है MRF के। यहाँ पे आपको जो टायर्स हैं वो मिल रहे हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये जो क्लैडिंग आप देख रहे हैं ना, ये कम्प्लीट क्लैडिंग फ्रेंड्स आपको रेयर तक देखने को मिलेगी, जो कि मैट में यहाँ पर आपको मिलती है। और अगर आप इसके कम्प्लीट बैक प्रोफाइल को देखते हैं तो यहाँ से तो खैर मतलब नेक्स्ट लेवल अब इसका जो लुक्स है वो हो चुका है। रियर से कार देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो अपनी ग्लास है उसका यूज़ किया गया है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका कंप्लीट ब्रेक लाइट, ये है अपना पार्किंग लाइट और कंप्लीट कनेक्टेड डिज़ाइन। क्रेटा की आपको बैजिंग नीचे मिलती है, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चार यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ बेस मॉडल आता है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर मिल जाता है, एक कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है और एक यहाँ पर। तो चार पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर इस साइड में भी मिलता है, रेयर में भी स्किड प्लेट मिलता है, बैक लाइट आपको प्रोवाइड किया गया है और बूट स्पेस ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है 430 लीटर के अप्रॉक्स का। अनलॉक करते हैं, बूट स्पेस भी आपको हम दिखा देते हैं। काफ़ी यहाँ पे कनेक्टेड जो अपनी टेल लाइट है वो ओपन हो चुकी है और ये कंप्लीट आपको कनेक्टेड डिज़ाइन में यहाँ पे मिल जाती है। बूट स्पेस काफ़ी सही मिलता है, काफ़ी यहाँ पे फ्लैट जो आपको मतलब बूट है वो मिल जाता है। काफ़ी यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह जो है वो रख सकते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं इसका स्पेयर व्हील, वो आपको मिल जाता है यहाँ पे 205/65R16। तो सेम 16 इंचेस का यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। प्राइस कट कहीं भी नहीं किया गया है, एक हुक यहाँ पे दिया गया है। लगेज वगैरह कुछ भी ला रहे हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। पार्सल ट्रे नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। 60-40 स्प्लिट में आपको सीट मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी दे रही है, वो सब की बात हम अंदर जाकर करेंगे। तो ये हो गई फ्रेंड्स अपनी यहाँ पे रेयर की बात। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो आप साइड से, इस साइड से इसका जो कंप्लीट लुक्स है वो देख सकते हैं। ए पिलर बी पिलर आपको मिलता है ब्लैक में, ये यहाँ पर आपको मिलता है सिल्वर कलर में और देखने में ये अच्छा यहाँ पे लगता है। बाकी अगर आप कंप्लीट इसके इस साइड से डिज़ाइन की बात करते हैं तो कुछ ऐसा मिल जाता है। अगर हम इंटीरियर्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। सबसे पहले हम डोर्स ओपन कर रहे हैं। डोर्स ओपन करने के बाद आप डोर ट्रिम देख सकते हैं, लाइट कलर्स कहीं यूज़ किया गया है। कंप्लीट इंटीरियर भी आपको लाइट कलर में ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स वगैरह की जो कुशनिंग है वो काफ़ी तगड़ी है। फ्रंट का सीट हमारे हिसाब से एडजस्ट है, रियर का भी यहाँ पे हमने सेट कर रखा है ताकि आपको प्रॉपर आइडिया दे पाएँ। पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है फ्रेंड्स अपना स्पीकर लगाने का ऑप्शन। यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है। बाकी डोर्स अगर आप देखते हैं तो इतना आपको यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगा। सेम कलर्स में कंपनी सीट भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इंटीरियर में जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम दिखाते हैं इंटीरियर। इतना यहाँ पे आपको जो लेग स्पेस है वो मिल रहा है। बाकी यहाँ पे अगर आप अंदर थाई सपोर्ट देखते हैं तो काफ़ी सही आपको मिल जाता है। यहाँ पे दो AC वेंट्स जो है वो आपको मिलता है, दो यहाँ पे है और दोनों ही आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे एक आपको मिलता है फ्रेंड्स दो चार्जिंग पॉइंट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और बाकी यहाँ पे आपको मिलता है फ़ोन रखने का स्पेस। इंटीरियर काफ़ी यहाँ पे लाइट आपको फील होगा क्योंकि लाइट कलर्स का यूज़ किया गया है। रियर से आप फ्रंट का व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल रहा है। किसी भी एंगल से बताना काफ़ी मुश्किल है कि ये अपनी यहाँ पर बेस मॉडल है। बाकी मिरर एरिया आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हेडरूम की तो वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं। काफ़ी सही यहाँ पर हेडरूम जो है वो मिल रहा है। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, हमारी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5 फीट 6 इंच के अप्रॉक्स में है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हम बैठे हुए हैं बेस मॉडल अपनी क्रेटा में और काफ़ी सही यहाँ पे फील हो रहा है। हेडरेस्ट वगैरह अगर आप देखते हैं तो आर्मरेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स सेंटर में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सीट बेल्ट वगैरह मिल जाता है, मतलब इतना स्पेस यहाँ पे है कि 3 adults कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पे अपने बिग कार का। पॉकेट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप देख पा रहे होंगे ये पॉकेट प्रॉपर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। एक लाइट यहाँ पे दिया गया है तो इसे भी हम ऑन करके दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको लाइट जो है वो मिल जाती है। बाकी यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन वगैरह देखते हैं तो सारी यहाँ पे सीट्स में आपको अच्छी डिज़ाइनिंग वर्क जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी अब हम चलते हैं अपने फ्रंट सीट की तरफ, उसमें भी आपको दिखाते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं बाहर, इस साइड से भी अब कंप्लीट जो अपना लुक्स है वो देख लें। अब चलिए हम चलते हैं को ड्राइवर साइड। सबसे पहले उस साइड का जो सीट है वो आपको दिखा देते हैं कैसा आपको मिल जाता है, ताकि आपको भी जो प्रॉपर आइडिया है वो लग जाए। और ये अपना यहाँ पे बेस मॉडल ही रहता है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि बेस मॉडल में इतने सारे कंपनी आपको फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर्स प्रोवाइड कर रही है। डोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डोर्स मिल जाती है, बोतल होल्डर्स के साथ में यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। सेम यहाँ पे डोर ट्रिम्स का यूज़ किया गया, सारा हार्ड प्लास्टिक है बट प्रीमियम फील होता है। जब आप देखेंगे कार को आकर, खुद भी आप जब फील करेंगे, विजिट करेंगे डीलरशिप पर, तो आपको ये फील हो जाएगा। यहाँ पर भी लाइट कलर के इंटीरियर्स का यूज़ किया गया है। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्पेस रखा गया है, कॉइन्स वगैरह आप रख सकते हैं। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे आपको हम बैठ करके दिखाते हैं। प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा क्योंकि बेस मॉडल है, पार्किंग लाइट के लिए स्विच दिया गया। और एसी वेंट्स का जो डिज़ाइन है काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम आपको मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग मिलेगी। और ये हमने यहाँ पे अपना जो कम्प्लीट सेटअप है वो आपको दिखा दिया है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि फ्रंट आपको कैसा लग रहा है। एसी वेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप है कम्प्लीट। आप इसके ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल एसी है। यहाँ पे हीटर एसी का ऑप्शन है, एसी वेंट्स यहाँ पे इंसर्ट किया गया है और स्पेस दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कॉपर वाला जो डिज़ाइन है वो आपको मिलता है। और स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, डीकट स्टेयरिंग आपको मिल जाता है। कप होल्डर्स यहाँ दिया गया है दो। बाकी अगर आप गियर नॉब देखते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे आपको मिल जाता है कम्प्लीट प्रीमियम डिज़ाइन में 6-speed गियर बॉक्स का सेटअप है। और यहाँ पर आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, इसमें इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये हो गई कम्प्लीट डिटेल्स की बात। अगर आप इसके फ्रेंड इस साइड की बात करते हैं तो चलिए इस साइड भी आपको चलते हैं और कम्प्लीटली हम दिखा देते हैं कैसा यहाँ पे आपको जो फीचर्स वगैरह है वो मिल रहा है, स्पेस कैसा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसके डोर्स को अगर देखते हैं अच्छे से, तो स्पेस में यहाँ पे आपको कमी नहीं फील होगा। कम्प्लीटली अपना डोर जो है वो ओपन हो जाता है और इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये हो गई अपनी कम्प्लीट डिटेल्स की बात। फ्रेंड से एक लुक और आप यहाँ पर ले लें अपनी क्रेटा बेस मॉडल का। दोनों ही कीज़ यहाँ पर सेंटर लॉकिंग के साथ में आपको मिलने वाली है। 3 buttons दिया गया है, लॉक अनलॉक और होल्ड का, तो इतना ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। बाकी यहाँ पे बारिश भी अपना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना होगा इस साइड से। सबसे पहले तो आप देख लें यहाँ पे अपने ड्राइवर साइड का कुछ ऐसा इंटीरियर मिल जाता है। डोर पे यहाँ पे मिलता है 4 power window का कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स अपना लॉक का जो अपना ऑप्शन रहता है। वो सारे डोर्स को आप यहाँ पे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ORVMs के कंट्रोल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और इस साइड से अगर आप बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर में भी हम आ चुके हैं। काफ़ी सही इंटीरियर यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग पे यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना स्टेयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स है वो, एक यहाँ पे आपको मतलब जो अपना MID है उसी का कंट्रोल मिलेगा मीटर कंसोल का। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे ओपन कर रहा है और यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है अपनी की को। बेस मॉडल में उस बटन स्टार्ट वगैरह तो मिलेगा नहीं। तो ये अपनी यहाँ पे MID ऑन हो चुकी है, कंप्लीट डिजिटल यहाँ पे आपको मिल जाती है। जिसमें कि अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लो फ्यूल इंडिकेटर जैसा कि अभी आपने देखा मिल रहा है। बाकी यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ड्राइवर असिस्टेंस, क्रूज, लाइट्स, डोर्स, कन्वीनियंस, यूनिट, लैंग्वेज और रीसेट। बाकी यहाँ पे यूरिया वगैरह का जो लेवल है वो दिखाता है। इस साइड में RPM मीटर है, इस साइड में स्पीड मीटर है। और नीचे में आपको मिल जाता है यहाँ पे अपनी सीट बेल्ट वार्निंग, यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स अपना वाइपर का कंट्रोल। इस साइड में आपको मिल जाता है लाइट्स का कंट्रोल। और ये है कम्प्लीट इसका स्टेयरिंग। तो आपको हॉर्न हम सुना देते हैं, सेम अपना क्रेटा वाला हॉर्न। बाकी इस साइड से आप देख ले इसका कम्प्लीट स्पेस। ये हो गया अपना फुल डिटेल्स। हैंड ब्रेक यहाँ पे मैनुअल है और यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना ORVMs, ERVMs। और ये है यहाँ पे आपकी लाइट्स मतलब अपनी सनसेट। और इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे अपना वैनिटी मिरर, यहाँ पे दिया गया है टिकट होल्डर। और बाकी ये रहा फ्रेंड्स अपना यहाँ पे व्यू। तो यहाँ पे सीट्स में अगर आप देखते हैं डिटेल में, तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग आपको दिख जाएगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको जो सीट्स है वो मिल जाती है। कुशनिंग काफ़ी सही है, लॉन्ग राइड्स वगैरह में भी अगर आप चल रहे हैं तो कहीं पे भी आपको दिक्कत फील नहीं होगा अपनी क्रेटा में। कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी सही आपको मिलता है। तो आप स्पेस का जो प्रॉपर आइडिया है वो लगा ले। यहाँ पे अभी हम थोड़े पसीना हो चुके हैं फ्रेंड्स क्योंकि अभी हम यार्ड में खड़े हैं। तो यहाँ पे आप नी रूम का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं, अपना हेडरूम का आइडिया लगा सकते हैं, कुछ इतना जो स्पेस है वो आपको मिल रहा है। तो ये हो गई अपनी कम्प्लीट यहाँ पर डिटेल्स की बात। अब चलिए हम बाहर चलते हैं और आपको जो भी लाइट्स वगैरह है वो भी दिखाते हैं। हम आ चुके हैं फ्रेंड्स अभी यहाँ पर बाहर। आप सबसे पहले इसके जो अपने लाइट्स हैं उन्हें देख लें। लाइट्स ऑन होने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो लुक्स है वो मिलने वाला है। बेस मॉडल से कंप्लीट टॉप मॉडल वाला फील आपको मिलेगा। इंजन मिलता है फ्रेंड्स 1500 cc का 4 cylinder 4 valve इंजन, जो कि यहाँ पे 1.5
MPI पेट्रोल इंजन आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp का एट द रेट 6300 rpm, टॉर्क प्रोड्यूस करता है 143.8 nm का एट द रेट 4500 rpm। यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स का जो सेटअप है वो मिलता है। ओवरऑल में जो इसकी लेंथ है वो है 4330 mm की, इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई वो आपको मिलती है 1790 mm की, इसकी जो कार की हाइट है वो मिलती है 1635 mm की, व्हील बेस आपको मिल जाता है 2610 mm का, काफ़ी तगड़ा व्हील बेस यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। बाकी यहाँ पे 50 लीटर्स का कंपनी आपको टैंक प्रोवाइड करती है। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो है यहाँ पे मैकपियर्सन, आप देख सकते हैं। रेयर का है यहाँ पे कपल टॉर्जन बीम। और अगर आप फ्रंट से डिस्क की बात करते हैं तो फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर में भी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, तो ये काफ़ी यहाँ पे सही बात रहती है। बाकी आपको ब्रेकिंग यहाँ पे सेफ्टी की बात करते हैं तो वो आपको मिलती है ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब आपको सारा कुछ यहाँ मिल जाता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलता है कंपनी यहाँ पे। फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं ओवरऑल में तो आपको वारंटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है 3 ईयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। तो ये हो गई यहाँ पे अपनी फुल डिटेल्स ऑल न्यू क्रेटा की। आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि बेस मॉडल में आपको क्रेटा कैसी लगी है। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लुम्बिया हुंडई गया में। अगर आप बिहार के किसी भी एरिया से हैं, अगर आपको क्रेटा का कोई सा भी मॉडल परचेस करना है तो आप विजिट कर सकते हैं। शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, कॉल करके आप अपनी टेस्ट राइड जो है वो बुक करवा सकते हैं। अगर हम करंट इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ऑन रोड ये आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स में, और एक्स शोरूम आपको हमने बता ही दिया था 10,99,900 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो ये थी अपनी फुल डिटेल्स क्रेटा बेस मॉडल की। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स के साथ में। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।